गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है 8th of January और सुबह सुबह मैं अपने लैपटॉप में थोड़ा सा कुछ मेरे को काम था। एक्चुअली सब कुछ अपडेट करना पड़ता है आपको, इट्स इतना सिंपल नहीं होता है, तो यूट्यूब भी आपका काफ़ी कुछ टाइम ले जाता है, तो मैं वो कर रही थी। और वेद मेरे साथ जग गया था, तो मैंने इसको थोड़ा पढ़ने के लिए बिठा दिया था, ब्रश व्रश करा के कि चलो थोड़ा सा लिख लो। और ये देखिए देव भी जग गए हैं। और फिर मैंने आज क्या किया है कि इन दोनों को ना एक बहुत अच्छी सी अदरक वाली थोड़ी सी बना दी है चाय, मीन जो दूध होता है ना उसी को अच्छे से बॉईल कर दिया और इन दोनों को टोस्ट दे दिया है। तो ये दोनों देखिए बैठ के खा रहे हैं, दोनों को टोस्ट पसंद है, ये दूध के साथ खा। आज एक नई चीज का शौक चढ़ा हुआ है। शौक क्या, जब मेरी दादी थी ना तो वो ये बाजरे के पुए बहुत बनाती थी। बाजरा अच्छा भी होता है, मीन्स गर्म होता है, और गुड़ डाल के आप इसके पूरे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे होते हैं। तो आज मेरे को लगा चलो मैं बच्चों को खिलाती हूँ बना के। मम्मी ने कहा तुम ही करो जाके, हम तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ये देखिए इसका मैंने आटा ही लगाया है, थोड़ा सा ही मैंने इसलिए लगाया है जिससे कि कुछ बिगड़े तो ज्यादा परेशानी ना हो, डांट ना पड़े। तो ये देखिए इसके छोटे छोटे से मैंने ऐसे ले लिए हैं, गुड़ के साथ मैंने पूरे सारे जो पुए हैं वो करे हैं। और इसमें मैंने और गर्म उसके होने के लिए मेरी दादी डालती थी व्हाइट तिल, आप देखोगे इधर पास से जिसमें व्हाइट तिल दिखेगा, तो मैंने वो डाला और मैं छोटे छोटे पूरे बना रही हूँ। तो चलिए बन गए हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वेस्ट हुआ है। तो ये देखिए चलिए आइए सेकते हैं इसको। दो डाल देती हूँ, कभी कभी कुछ चीजों की लेके याद आती है कि कुछ टेस्ट जो होते हैं। बंद कर दो जरा फोन। और ये देखिए मैंने दो पुए डाल दिए हैं और वो सिक रहे हैं। ये जो इस तरीके से जो तेल में उबाल आती है, मीन्स जैसे जब ये कोई चीज सिकती है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे को इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी पसंद है। और ये मतलब मैं सोच रही थी ये तो फट ही जाएंगे और आज ये नहीं फटे हैं, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, तो मतलब बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। और पुए बनके रेडी हो गए, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना आज, मतलब बच्चों के लिए स्पेशली आप जब कोई चीज बनाओ और वो बन जाए, वो भी इस टाइप की चीज, मैक्रोनी पास्ता और ये सब तो हम लोग बनाते ही रहते हैं। तो ये देखिए ये बन के रेडी हो गए हैं और मैं दिखाती हूँ इसका देव का हमारा रिएक्शन कैसा आता है। और ये देखिए मैं इन दोनों से बातें कर रही थी और मैं इन दोनों को ये खिला रही थी, तो देव को मीठा ज्यादा पसंद है इसलिए देव बहुत अच्छे से खा रहा था, बट वेद ने इतना अच्छा नहीं दिया कि नहीं नहीं इतना कुछ खास नहीं है, है ना। वेद को थोड़ा नमकीन ज्यादा पसंद है। और आजकल ये देखिए इनको ग्लव्स पहनने का पता नहीं क्या शौक चढ़ गया है, तो ये ऑल टाइम ग्लव्स ही पहने रहते हैं। और अभी बच रहे हैं दिन के 1:30 और मेरे को मतलब पूरे दरवाजे खिड़की बंद थे तो मेरे को आइडिया नहीं लग रहा था, पर मेरे को ऐसे ये था कि मौसम अच्छा नहीं है आज का, बहुत कोई धूप उप नहीं निकली, बट एकदम से बादल गरजने की आवाज़ आई बहुत तेज से, तो मेरे को लगा अरे इतना मौसम खराब है क्या। तो मैं बाहर आ रही हूँ कि देखती हूँ यार कैसा है, और बारिश हो रही है, मीन्स अभी बूंदें गिर रही है, बारिश तो हो चुकी है, उसके दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, और साइड साइड में आपको हर जगह पानी भरा हुआ थोड़ा सा तो दिखेगा ही, और बहुत ठंडा हो रहा है मौसम बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए हमारे यहाँ का भी अंदर लगभग अभी एक दो अभी एक तो अंदर घर बन रहा है, ये ऊपर लोड इस वजह से और है, ये देखिए काफ़ी ठंडक सा हो रहा है। रोज़ रोज़ पता है सबसे डिफ़िकल्ट काम ना एक लेडीज़ की लाइफ में पता है क्या होता है, रोज़ सुबह ये सोचना आज क्या बनेगा, रोज़ शाम को ये सोचना है कि आज क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, पता नहीं यार, ये डिसाइड करना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मेरे को भी यही लग रहा है यार मैं क्या बनाऊँ, बच्चों को क्या खिलाऊँ, आज इतनी सर्दी है ना मेरे को पूरा दाल चावल बनाने का मन नहीं है। मम्मी तो कह रही है लाओ बना देते हैं, मगर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट देखते हैं, नहीं तो लास्ट में दाल चावल बनाना ही पड़ेगा। आलू बैंगन की सब्जी सुबह बनी थी सूखी, तो देखते हैं। और फाइनली क्या खाना मिल ही गया है आज, मैंने नहीं, मेरे को इतना सर्दी लग रही थी यार, पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा था, फिर मम्मी ने कहा लाओ हम बनाते हैं, पूरा खाना बनाते हैं क्योंकि बच्चे खाएंगे, तो फिर से बन गया है दाल चावल सब्जी रोटी सब पूरा, क्योंकि बच्चों को तो चाहिए।
तो ये दाल में मैंने ऐड कर दिया है घी, ये सब्जी है आलू के, और इनका सैलेड वैसे ही कट गया है, चुकंदर और प्याज, मूली आज अलग से मैं घिस के रखी है मैंने, मैंने नहीं मम्मी ने, कुछ नहीं किया। और ये ना वो उस दिन मैंने थोड़ा सा दिखाया था जो अचार मम्मी रख रही थी वो जो कूट के था ना, तो वो बस 2 दिन धूप में रखा और वो खाने लायक हो गया है, तो वो यार आज मजे आ जाएंगे। बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज, और ये गरम गरम चावल, चावल हम लोग ओवन में पकाते हैं। तो आप लोग को भी भूख लगी हो तो यार प्लीज आप लोग भी खा लीजिए। और देव हमारे देखिए बिल्कुल एकदम रेडी बैठे हैं कि कैसे कब स्टार्ट हो और मम्मा खाना दे, देखो चलिए मिलते हैं आपसे खाने के बाद। और मैंने ना आज ये चने भिगो दिए थे, जैसे कि जो शाम का टाइम होता है ना, अभी बारिश हो रही है तो शाम को करीब वही 6 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा स्नैक्स के लिए हो जाएगा। और ये देखिए ये है इनके शाम का नाश्ता, तो मैंने ये चने फ्राई कर दिए हैं, ये आज मैंने थोड़े से मंगौड़े बनाए थे तो वो मैंने इनको तोड़ के दे दिए, बहुत गर्म थे इसलिए। तो ये दोनों ना ये सब चीजें अच्छे से खा लेते, फिर इनका ब्रेड मन था तो मैंने आज थोड़ा सा ब्रेड और बटर, बटर नहीं वो जो चीज होता है मैंने उसको वो लगा के, और ये देखिए इनके ग्लव्स अभी तक नहीं उतरे, तो अब धीरे धीरे ये लेफ्ट हैंड से खाता है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि अब ये खुद से खाने लगे, उठाने लगे। और फाइनली बच गए हैं रात के 10, और लगभग सब काम हो गया है, आपको देख के लग ही रहा होगा कि मैं अपने बेड पे आ गई हूँ, और लगभग सारे चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं, बच्चों ने खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है, आप लोग भी बताइएगा आपने खाया है कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने खा लिया होगा। कुछ लोगों के लेट डिनर होता है, कई लोगों से मैंने सुना है 10:30-11, तो हो सकता है उनका भी पेंडिंग हो। और मेरे को ये टाइम ना बहुत अच्छा लगता है, एक तो इसलिए अच्छा लगता है कि ना ऐसा लगता है सारे काम निपट गए हैं, सारे काम, आपको पता है क्या सबसे ज़्यादा जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना तो उसके बाद आपको लगता है बच्चों ने खा लिया है, या बच्चों ने मीन्स जो भी बच्चों के इस टाइम के काम होते हैं, जैसे कुछ कुछ लोग के बच्चे छोटे होते हैं तो उन्होंने दूध पी लिया है, डाइपर पहन लिया है, शुशु कर ली है, और मतलब यही सब ब्ला ब्ला जो भी काम होते हैं, और कपड़े समेट लिए हैं, कर लिया है, चलो अब हमारा ब्रेड, क्योंकि यूजुअली जो न्यू मदर्स होती हैं, न्यू मदर्स इन द सेंस कि जो मदर्स जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, उनका बेड सबसे ज़्यादा मेस्ड अप रहता है, क्योंकि क्या है वो कुछ भी है बच्चों का टी शर्ट इधर फेंकी उधर फेंका इस तरीके से, तो ऐसे ही रहता है। तो मेरे को ना ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, एक तो मेरे बच्चे क्या है इस टाइम जाते हैं, अभी हम लोग नानी नाना के यहाँ आए हुए हैं सब, तो इस टाइम ना ये दोनों जाते हैं अपने नानी नाना के पास, और फिर वहाँ पे लोग लेट लेट के रिवाइज करते हैं, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये किया। अभी मैंने कुछ दिनों से इनका टीवी फ़ोन तो लगभग आप ये समझ लीजिए फ़ोन तो बिल्कुल ना के बराबर है, फ़ोन तो देखते ही नहीं है, और टीवी भी काफ़ी कम कर दी है मैंने, कम ही देखते हैं, बट अभी तो मैंने बिल्कुल लिमिटेड इन लोग को स्ट्रिक्ट कर दिया इस चीज़ पर कि नहीं अभी आप ये करोगे भले ही आप खेलो कुछ भी करो बट नहीं टीवी नहीं। वो पता नहीं जैसे जैसे एक तो लेकिन ये एज ऐसी होती है ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना बच्चे, तो उनके नए नए शौक मीन्स शौक जागते रहते हैं। यू विल नॉट इमेजिन कि आज देव ने मेरे से मेरे को नहीं लगता है कि मैंने कभी इन लोग को ऐसे पिज़्ज़ा वगैरह खिलाया है, जैसे कि इन लोग को पता हो कि ये डोसा वोसा बहुत अच्छे से जानते हैं आप, मतलब मीन्स आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो ये लोग खूब अच्छे से बोलते हैं कि मेरे को डोसा खाना है, मेरे को टमाटो सूप पीना है, चॉकलेट शेक पीना है, पर पता नहीं आज क्या हुआ अचानक से मेरे पास आया देव। हो सकता है उसने टीवी में आज सुना हो, क्योंकि आजकल इसे पेपा बहुत पिग पसंद आने लगी, जब से वो पेपा पिग आ गई इसीलिए मैं स्पेशली लेके आई थी देव के लिए, लेकिन वो आ गई, वो पेपा पिग देख रहा था, उसके थोड़ी देर बाद आता है और मेरे से कहता है मम्मी मेरे को ना पिज़्ज़ा खाना है, तो मेरे को ना थोड़ा सुन के बहुत अच्छा सा भी लगा कि जब बच्चे ना एक बार, क्योंकि उस दिन मैं जब इसको ले गई थी तो वो वेद को ले गई थी, तो उसने तो थोड़ा ही बहुत खाया था, देव मेरा काफ़ी सही से उसको अच्छी मतलब फूडी टाइप का उसको अच्छा लगता है, तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो बच्चे नई नए वर्ड सुन के ना ग्रैस्प कर रहे हैं कि नहीं ये भी कुछ होता है, इसको कुछ खाया जाता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं ना अगर बाहर गई, हमारे यहाँ ये जो घर है ना ये थोड़ा आउटर में है तो यहाँ पर सर्विस नहीं होती है डोमिनोज वगैरह की, अगर मैं गई मॉल वगैरह तो फिर उसको लेके आऊँगी, या उसको मैं लेके जाऊँगी, या फिर मैं घर पे ही कुछ उसके लिए बेक करूँगी जैसे पिज़्ज़ा बेस वगैरह लगा बना के, बट मेरे दिमाग में है कि मैं उसको पिज़्ज़ा खिलाऊँगी बहुत जल्दी जिससे पहले कि वो भूले नहीं।
तो यही है। तो लगभग बस मैं जब अभी सफाई कर रही थी तो कल मैंने आपको वीडियो में बोला था कि मैंने अमेजोन से कुर्ती मंगवाई है और फिर मैंने आपको बस वही थोड़ा सा अपना जो लोकल कॉस्मेटिक शॉप से सामान लिया था वही दिखाया और वो दिखाई नहीं हूँ बगल में रखी। तो मैंने कहा चलो आज आपको आप लोगों से ये इसको भी दिखा देते हैं और उसके बाद इसको मैंने अंदर डाल दूँगी। तो ये जो मैंने कुर्ती मंगाई थी पहली चीज मैंने अमेजोन से मंगाई थी, तो ये बच्चों ने निकाल दिया है, पन्नी अलग और इस तरीके का अलग। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा ये पूरा पैकेट फाड़ दिया है। मीन्स उनको मतलब अभी ऐसा क्या लगने लगा कि कुछ भी मेरा कोरियर आता है कुछ भी पैकिंग का आता है ना तो उनका या तो कुछ टॉयस आया होगा या उनके कपड़े आए होंगे, तो उनको ऐसे ही लगता है। तो बस अब उनको लगता है कि कितनी जल्दी इसको खोलो। तो खैर छोड़िए, ये मैंने कुर्ती मंगाई है अमेजोन से और ये कुर्ती बहुत ही अफोर्डेबल 600 रुपये में पड़ गई है मेरे को, आप ऐसा मानिए। और पैसे के हिसाब से ये कुर्ती मैं बताऊँ मेरे को पिक्चर मतलब उसकी पिक में इतना क्लियर नहीं था कि इसकी क्या डिज़ाइन है, बट मैंने फर्स्ट टाइम अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया था सिर्फ किसी और के रिव्यू के बेसिस में। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इस वजह से सिर्फ मैंने इसको ऑर्डर किया था और लिटरली इसके रिव्यूज़ अच्छे देने लायक हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो अमेजोन में है इसको जो मैंने ऑर्डर किया था ये मेरे को पड़ा है जयपुर कुर्ती से। ये देखिए तो ये है जयपुर कुर्ती से, आप ये देखिए। और जो इसका एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ अराउंड 1699 रुपीज़। ये देखिए बट ये मेरे को कुछ ऑफर में मिल के, मैं बोली हूँ ना आपको मेरे को इसमें शिपिंग फ्री मिली थी और ये मेरे को मिल गई थी 600 रुपये में। इसकी एक तो प्लस दो क्वालिटीज़ हैं, ये जो इसका जो फैब्रिक है ये चंदेरी फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक है ये चंदेरी फैब्रिक है। इसको मैं पास से दिखाती हूँ, ठीक है। चंदेरी बहुत मोटा वाला नहीं पतला वाला है, बट इन्होंने फर्स्ट टाइम इसके साथ ना मीन्स इसके साथ एक इनर दी है। मीन्स ये देखिए ये कुर्ती अलग है और ये इनर अलग है। इनर का जो कपड़ा है ना मटेरियल है वो बहुत ही लाइट है, बट इनर के हिसाब से अच्छा है, कुछ नहीं है, आप आराम से पहन सकते। सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो ये पूरा जो इसकी जो लेंथ है वो पूरी अच्छी प्रॉपर, ये देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी एक इनर की अच्छे से लेंथ है। आप ये देख रहे हो कि इसका कपड़ा कितना हल्का है, बट ये प्योर कॉटन है और डार्क कलर है इसलिए वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप इसका लेंथ देख रहे हो, पूरी कुर्ती के बराबर की लेंथ है। और ये जो कुर्ती है इसके ये इसकी लेंथ पूरी पूरी लॉन्ग है, लॉन्ग ही नी लेंथ तक है, स्ट्रेट कुर्ती है ये। मैंने एल साइज लार्ज साइज मंगाया हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट है साइज़ के अकॉर्डिंग। और इसका जो आगे का प्रिंट है आप ये देख लो, ब्लू कलर की है ये, बस ये आपको दिया हुआ है। देखिए चंदेरी में ना ज़्यादा चमक धमक मतलब मेरी ये पर्सनल राय कि ज़्यादा चमक धमक नहीं अच्छा लगता है, एकदम सिंपल अच्छा लगता है। ये फैब्रिक ही ऐसा होता है जिसको पहनने के बाद आपका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस वजह से मेरी आपको काफ़ी सारी कुर्तियाँ ना चंदेरी की मिलेंगी। इवन ये जो मैंने पहन रखी है ये भी चंदेरी का ही है, क्योंकि उसका लुक बहुत अच्छा आता है, थोड़ी फुली फुली सी लगती है। और उसके लिए उसकी जो बाजू है ये 3/4 है, तो इसमें तो ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसको वेयर करके देखा था और प्राइस के अकॉर्डिंग है और 600 रुपीज़ में, और आपको क्या चाहिए। तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चलिए रात हो रही है काफ़ी, मेरे को अभी थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करनी है, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एडिट करती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कुछ कमेंट किया करिए जिससे कि मेरे को लगे आप वीडियोस देख रहे हो आप, क्योंकि उसमें व्यूज़ आ रहे हैं बट आप लोग को पसंद आ रहे हैं। मीन्स क्या है कुछ और मैं उसमें एडिशन करूँ, आप लोग कुछ भी कमेंट किया करिए प्लीज़। और अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं मेरे स्टडीज़ से रिलेटेड, जो दूसरा चैनल है निधि त्रिपाठी, आप वहाँ पे जाके बच्चों की पढ़ाई से लेकर लिंक्स चेक कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, गुड नाइट, मिलती हूँ मैं आपसे कल, और आज के लिए बाय बाय।